नमस्कार आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम आज एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर आप सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर खीरी है उसमें दो बच्चियों के साथ में जो देश की बेटियां थीं उनके साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ उनकी हत्या की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है और इस कठिन समय में उनके परिवार के साथ भी खड़े हैं सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि उन दोनों बच्चियों का आज दाह संस्कार है तो मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि देता हूं ऐसा किसी और परिवार के साथ ना हो किसी और बच्ची के साथ में ना हो इसके लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी की सरकार इसके ऊपर विचार करेगी कड़ी कार्रवाई करेगी और सख्ती से उन बलात्कारियों के साथ में पेश आएगी जो जो पूरी तरीके से आ, अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि योगी की अगर सरकार है तो वहाँ पर हम लड़कियों के साथ में बलात्कार कर सकते हैं अपहरण कर सकते हैं दुराचार कर सकते हैं और उनको मार भी सकते हैं हाल में ही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के की रिपोर्ट के हिसाब से क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट से पता चला कि 2021 में दलितों के खिलाफ अत्याचार अपराध के मामले जो हैं पचास मामले सामने आए जिसमें पिछले साल की तुलना में ये जो वृद्धि हुई वो काफ़ी ज़्यादा है अकेले उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ हुए अत्याचारों के सबसे अधिक मामले जिनमें कुल अत्याचारों का पच्चीस दशमलव बयासी प्रतिशत हिस्सा सिर्फ उत्तर प्रदेश का है गंभीर विषय है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ख़िलाफ़ उत्पीड़न के मामले इतने सारे बढ़ रहे हैं और देखने को ये भी मिलता है कि बहुत सारे मामले जब कंप्लेंट्स की जाती हैं तो उसको दर्ज भी नहीं किया जाता 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ कुल इकसठ अपराध किए गए ठीक दो साल पहले हाथरस में जो हुआ उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में एस सी ट इज पी ओ ए अधिनियम को सख्ती से लागू करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई हाथरस का सब आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उस बच्ची के साथ में दुराचार हुआ बलात्कार हुआ उसको मार दिया गया और फिर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से उनकी मदद से रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के जला दिया गया वहां पर देखने को यह भी मिला कि उत्तर प्रदेश का जो रवैया है जो प्रशासन का रवैया है सरकार का रवैया है वो ऐसे अपराधियों के साथ में खड़े होते हैं जहाँ पर मदद करनी चाहिए दलित परिवारों की जहाँ पे मदद करनी चाहिए उन बच्चियों की प्रशासन और योगी की सरकार हमेशा अपराधियों के साथ में खड़ी रहती है वहाँ पर एक जो बहुत ही जिम्मेदार पुलिस के अधिकारी थे सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने यहाँ तक का बयान दिया कि उस बच्ची के साथ में कोई बलात्कार भी नहीं हुआ जबकि बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उससे पता चला कि उसको मारा गया उसके साथ बलात्कार भी किया गया और उसको पेट्रोल डाल के जलाया भी गया तो ये बड़ा गंभीर विषय है दुख का विषय है हम ने जो मांग की थी कि फास्ट ट्रैक में केस चलाया जाए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के द्वारा उनको आ, उसके अंदर उनको जो भी फैस फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो भी उनको आ, किस तरीके से उनको सुनिश्चित किया जाए कि उनको उस परिवार को मदद की जाए लेकिन देखने में ये मिल रहा है कि जो आ, उत्तर प्रदेश की सरकार है वो इसको सांप्रदायिकता का रंग देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से इस तरीके के बयानबाजी आना इस तरीके से समर्थन करना और लोगों का और उसको रंग देना सांप्रदायिकता का यह भी एक बड़ा दुख का विषय है हमारा यह मानना है कि लखीमपुर खीरी मामले को अलग थलग करके नहीं देखा जाना चाहिए यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में अपराध रिपोर्ट ने यह भी प्रकाश डाला है कि दलितों के खिलाफ सत्तर हजार 818 अत्याचार अभी भी 2021 के अंत तक जांच के लिए लंबित हैं जिसमें पिछले वर्ष के मामले भी शामिल हैं मतलब जहां पर आ, सरकार में एक तरफ बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि जो मोदी की सरकार है वो दलितों के उत्थान के लिए उनके विक, विकास के लिए उनकी सुरक्षा के लिए कार्यक्रम बना रही है उसके लिए काम कर रही है लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि सत्तर हजार अत्याचार के मामले अभी पेंडिंग हैं जिसके ऊपर कोई अभी तक कार्रवाई भी नहीं हुई ये भी एक प्रश्न उठता है कि किस तरीके का इनकी सेंसिविटी है अत्याचारों को लेकर महिलाओं के ऊपर और दलितों के ऊपर हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार से कि अत्याचार रोकने और इन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए क्या कर रही है हम सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्र जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो उसने पूरे देश में किस तरीके का नफरत का एक माहौल बनाया है और इस लखीमपुर खीरी वाले मसले में भी वो उसको उनके लोग उनके एजेंट्स उनकी एजेंसीज उनके अग्रिम संगठन किस तरीके से उसका उसका रूप दे रहे हैं कि वो सांप्रदायिकता का किसी तरीके से उसको रंग दे दिया जाए इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि लखीमपुर खीरी में दो नाबालिग दलित लड़कियां जिनका बलात्कार और हत्या कर पेड़ पर टांग दिया गया आज उनका पार्थिव शरीर आ, का अंतिम संस्कार किया जा रहा है मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान लिखा उन्होंने हर वर्ग के लिए महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे आ, उनके लिए कानून सुनिश्चित किए लेकिन आज संविधान को जिस तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है हर रोज़ जिस तरीके से संविधान का एक एक पन्ना फाड़ा जा रहा है जहाँ पर महिलाओं के अधिकार लिखे हैं उनको उनकी सुरक्षा लिखी है उस संविधान को जो कमज़ोर करने की काम किया जा रहा है ये बड़ा चिंता का विषय है नरेंद्र मोदी अपने आप को एक बहुत बड़ा आइकॉन बनाना चाहते हैं दलितों का मसीहा बनकर वे चाहते हैं कि उनको दलितों का जैसे अभी उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था उसके अंदर वो बताना चाहते थे कि किस तरीके से सफाई कर्मचारियों के पांव पहुंचकर पाँव धोकर वो एक मैसेज देना चाहते थे सिर्फ मीडिया के माध्यम से सुर्खियां बटोरना चाहते थे लेकिन अभी मैं बताना चाहूँगा कि अभी दिल्ली में अभी दो नौजवानों की जो उसी समाज से संबंध रखते थे सफाई कर्मचारी थे गटर में उनको जाने से उनकी मौत हो गई और सरकार उसकी तरफ आंखें बंद करके बैठी है तो इनकी करनी में और कथनी में फर्क है मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश सरकार से लखीमपुर खीरी के में पीड़ितों के परिवार के लिए तुरंत न्याय की मांग करती है और नरेंद्र मोदी सरकार को भारत के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग करती है धन्यवाद सिर्फ इसी मुद्दे पर जो भी क्वेश्चंस हैं आपके उनका स्वागत है देखिए वो जो जो एक एक डेलीगेशन बना के भेजा है वो हमारे संपर्क में है और ए के साथ में समन्वय बना के ए की तरफ से ही डायरेक्शन मिले जो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने वहाँ पर डेलीगेशन भेजा है तो हमारी नॉलेज में और हम उसके ऊपर चाहते हैं कि वहाँ से वो पूरी पूरी विस्तृत रिपोर्ट हमारे पास में आए ताकि उसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई करनी है किस तरीके से उसकी रूपरेखा बनानी है आगे के लिए उसके ऊपर हम लोग काम कर सकें तो देखिए एनसीआरबी की जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट है उससे पता चलता है कि 2021 में दलितों के खिलाफ जो अत्याचार अपराध हुए वो पचास हजार दो सौ टू नाइन्टी वन फिफ्टी थाउजेंड टू हंड्रेड एंड नाइन्टी वन केसेज सामने आए जिसमें पिछले साल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा इसमें वृद्धि हुई है दो हज़ार रुपये अकेले उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ हुए अत्याचारों अत्याचार के सबसे अधिक मामले कुल अत्याचारों का जो पच्चीस प्रतिशत है 25.82 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ उत्तर प्रदेश का है उसके अंदर दूसरा 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ इकसठ अपराध किए गए ये भी एक आंकड़ा है और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में अपराध रिपोर्ट ने यह भी प्रकाश डाला कि दलितों के खिलाफ सत्तर हजार आठ सौ अट्ठारह अत्याचार के मामले अभी भी लंबित हैं उनके पेंडिंग है उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है लेकिन इसके जो दिन्था नहीं, दिन्था तो नहीं? नहीं मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं हाथरस में जब एक गरीब बच्ची जो दलित परिवार की थी उसके साथ हादसा हुआ तो प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी दिल्ली से मार्च कर कर जब उसके घर जा रहे थे तो पुलिस ने उनको रोका और वहाँ पर जिस तरीके से पुलिस ने धक्का मुक्की की उसके बावजूद गिरफ्तार भी हुए राहुल गांधी जी लेकिन वो मामला कांग्रेस पार्टी ने उठाया वो पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस के सभी संगठनों ने सभी अंग्रेज संगठनों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया तब जाके वहाँ पर उस बात को माना गया उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि हाथरस में उस बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ दूसरा किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ आगरा में एक सफाई कर्मचारी को पुलिस की कस्टडी में मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि उसकी मौत हो गई उसकी हत्या कर दी गई उस वक्त में भी वहाँ पर प्रियंका गांधी जी उसके घर पर गई प्रियंका गांधी जी को रोका गया लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जाकर प्रियंका गांधी जी ने वहाँ पर उस परिवार को 20 हजार बीस, हज, बीस लाख रुपए अपनी तरफ से उसको देकर आए उसकी मदद की जो योगी सरकार थी उसने 30 लाख की घोषणा की लेकिन अभी तक उसको एक रुपया नहीं मिला है तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी कभी इस ऐसे मसले के ऊपर आवाज़ नहीं उठाती है शायद ये गलत होगा जी देखिए पहला सोशल मीडिया पे चेक कीजिए राहुल गांधी जी ने उस पर ट्वीट किया और उन्होंने उसको चिंता का विषय बताया और उसी डायरेक्शन को मानते हुए जैसा अभी हमारे एक एक और पत्रकार साथी ने पूछा कि जो डेलीगेशन गया है वो उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए कि राहुल गांधी जी का कंसर्न है प्रियंका जी अभी देश में नहीं है और जो राहुल गांधी जी ने कहा आपने शायद उसको पढ़ा होगा मैं रिपीट कर सकता हूँ लखीमपुर में दिन दहाड़े दो नाबालिग दलित बहनों के अपहरण के बाद उनकी हत्या बेहद विचलित करने वाली घटना है बलात्कारियों को रिहा करवाने उनका सम्मान करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद की भी नहीं जा सकती है हमें अपनी बहनों बच्चियों के लिए देश में एक सुरक्षित सुरक्षित माहौल बनाना ही होगा ये राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है और ये जो लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो बात करते हैं जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं वहाँ पर ये लोग बिल्किस बानों के आरोपियों को बलात्कार के आरोपियों को स्वागत करते हैं मिठाइयाँ बाँटते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको उनका उनको समर्थन करते हैं तो ये समझ में आ सकता है कि किस तरीके से इन लोगों की मानसिकता है प्रियंका गांधी जी ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है तो ये राहुल गांधी जी अभी भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश के अंदर 3500 किलोमीटर 14 प्रदेशों के अंदर लोगों से जनसंपर्क करने के लिए निकले हैं तो उनका जाना तो मुझे लगता है कि शायद आ, संभव नहीं होगा लेकिन हम लोग इस चीज़ को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी इसको गंभीरता मानते हुए इस पूरी इस आ, इसके जो एपिसोड हुआ है इसके ऊपर हम कार्रवाई के लिए मांग भी करते हैं और इसके ऊपर पूरी चिंता भी जाहिर करते हैं कांग्रेस पार्टी देखिए इस तरीके के मसले में फिर बता देता हूँ ये इन नौका जो भारतीय जनता पार्टी है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उनको गुमराह करने के लिए उनके जज्बातों के साथ में खेलने के लिए इस तरीके की घोषणाएं अक्सर किया करती है पंद्रह लाख अकाउंट में जाएंगे ऐसी घोषणा उन्होंने पहले भी की थी दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष नौजवानों को मिलेंगे ऐसी भी घोषणा की थी तो उसी तरीके से मैं मानता हूँ कि जो अभी जैसे आप बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसी घोषणा की और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसके ऊपर हम तो मांग करते ही हैं हम मांग करेंगे जाहिर सी बात है जहाँ पर गरीबों का हित की बात होगी दलितों के हित की शोषितों के हित की बात होगी उसके लिए कांग्रेस हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी थैंक यू धन्यवाद